थे और अभी घड़ी में बज रहा है 2:45 और हम अभी उठे हैं। तो यहाँ देखिए, ये लोग आज रात भर सोई नहीं है क्योंकि कल अपसेट हो गया था ये लोग का रोज़ा, तो सेरी में नहीं उठ पाई थी। और अभी इसलिए अभी ये लोग जाग रही है क्योंकि मुझे ये लोगों सेरी करना ही है। तो उनके पापा को भी उठा रहे हैं और उठा करके बाहर में सेरी लाने के लिए बोल रहे हैं। और मेरा दरवाज़ा के पास ही पूरा सेरी मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ मिल जाता है। तो चलिए सेरी लोगों को करा देती हूँ। और हाँ, मेरा लड़का, आप लोग बोलेंगे ये दोनों हैं मेरा लड़का, तो मेरा लड़का जो है आज नाना के वहाँ रुक गया क्योंकि अनाउंस हो रहा है कि सेरी का वक्त हो चुका है और मिनट कितना बता रहा है सब। तो चलिए मैं इनको उठाती हूँ सेरी लाने के लिए। तो पहले देख लीजिए मेरा गली कितना शांत लग रहा है, और मतलब अब तारी के लिए आदमी आना जाना लगा हुआ है। और माशाल्लाह ये मुबारक महीना है ऐसा कि अब आदमी आधी रात को उठ के जो खाता पीता है और बाज़ार जाता है तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। और यहाँ ये लोग अब तारी लाने के लिए निकल गया है। और यहाँ देखिए ये तो और मैं उठता तो बाहर का निकल, मार्केट पूरा दिखाती पर मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था, इनके पापा ले भी गए थे वापस लेके चले आए। तो ये बच्चे लोग के लिए अब तो फ्रेंड्स सहरी हो चुका है और अब अजान होने में थोड़ी देर वक्त बचा है और सारा सहरी हो गया। और सहरी के वक्त जो नाश्ता आया हुआ था तो ज़्यादा कुछ नहीं, यही बच्चे लोग ही खाते हैं, हम लोग उतना रात में सहरी में खाते नहीं हैं। तो उस टाइम मेरा जो बैटरी था मोबाइल में लो था, तो मैंने सिर्फ तस्वीर लिया है और बाकी का ब्लॉग नेक्स्ट टाइम अगर हो सके। अस्सलाम वालेकुम, तो आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि 4 रमज़ान आज हो चुका है, बाहर निकल रही हूँ क्योंकि घर का थोड़ा सा सामान भी ख़त्म हो गया और देखती हूँ कि सौदा बाजार लाना, बीती का खाना भी लाना है, तो इन लोगों को भी तो देना पड़ेगा। तो देखती हूँ अगर मैं बाहर निकलती हूँ उसका शूट कर सकती तो करूँगी। तो फिर तो यहाँ मैं निकल गई थी और ये जो है टाइम है मेरा 3:30-4 बजे करीब टाइम था। तो कल मैंने उतना अफ्तारी भी नहीं बनाया था, तो बाहर गई थी कुछ लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग जा ही रहे हैं और यहाँ जाने के बाद देखे तो कुछ नहीं था, तो फिर यहाँ पर आ गए। अपने बिल्ली की खाना भी लेना था। ये मार्केट अभी देख रहे, रमज़ान के लिए रनिंग हो गया है और ये है सालकिया मार्केट। तो आपको जैसे हमेशा मैं आती रहती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सा चीन पहचान भी हो चुका है। और कैमरा मुझे उतना अच्छा लगता नहीं रोड में करने में, तो इनके पापा कर रहे थे, मैं उस तरफ भीड़ लगा हुआ था तो गई थी तो देखा बढ़िया बढ़िया मतलब चप्पल वगैरह मिल रहा था, तो वहाँ देखने चली गई थी। और ये रिटर्न में मैं घर आ रही हूँ, तो जो भी सौदा बाजार लेना था मैंने ले लिया। और यहाँ पर सोची थोड़ा सा दरगाह भी हो जाऊँ, तो क्योंकि दरगाह भी जाना ज़रूरी है। मैं बाज़ार लेके आ चुकी हूँ और बिल्ली का जैसे कि लाना था खाना, तो उसके लिए मुझे आजकल क्या है कि जल्दी मार्केट सब बंद हो जाए, तो सारा मार्केट अभी जल्द से जल्द जल्दी जल्दी बंद हो जा रहा, पता नहीं किस कारण, पर 9:30 बजे तक पूरा बाज़ार उठ जा रहा। तो हम आज सालकिया में गए थे तो कुछ सामान लेके आए हैं। और पहले तो मेरा बच्चे लोग देखिए मेरा आगे पीछे घूर रहा दिखा रहे हैं, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ बैठी है। बाबू हापू दे हापू दे हापू दे सोना हापू दे आओ हापू दे आओ हापू दे आओ आ जाओ हापू दे आओ आ जाओ हापू दे आ जाओ आ जाओ हापू दे आ जाओ आ जाओ हापू दे आ जाओ आ जाओ जा 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 देखिए ये दोनों अब पीछे पीछे मेरे आएगा क्योंकि इसके लिए मैं लाई हूँ। यहाँ तो लहसुन और कुछ मरसा वगैरह लाना था और यहाँ पर उसके लिए मछली लाई हूँ। तो देखिए आगे पीछे सब मेरा घूर रहा है, तो मैं अभी बाबू का मछली डालने जा रही हूँ। चल तो ये यहाँ इन लोगों का फिश लाई हूँ और कुछ अपने लिए भी लाई हूँ, तो अब इसे भी निकालूंगी। तो पहले इसे मतलब ये लोग रहने नहीं दे रहा, देखिए ये दोनों यहाँ पर बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं इन लोगों को काट के दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों माशाल्लाह खाने में लगा हुआ है अपना, दोनों को काट करके दे दिए। ये धीरे धीरे खाएगी मेरा, ये जो बिल्ली है धीरे धीरे खाएगी ये, ठीक है माशाल्लाह। तो यही सब मैं दिन लग कर पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लाया है। तो बस यही है, कतला लाया है क्योंकि इनके पापा कतला ही खाते हैं। चलिए थोड़ा चाय चढ़ा देते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है से मतलब सॉरी सजना डाटा आलू और मछली बनाऊंगी, बहुत दिन बाद बना रही हूँ। वैसे तो रमज़ान में मछली नहीं खाना चाहिए, खाते भी हो तो रोज़ा रखने से पहले आपको फ्रेश होना है।
तो इसलिए, और मेरे संजय डाडा बहुत मन कर रहा था तो बना लिया आज। अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था, रेसिपी नहीं बता सकी मैं। यहाँ चाय मेरा रेडी हो गया तो पहले सोचा चाय पी लूँ, उसके बाद मैंने ताज़ा बन मंगवाया है क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बेकरी से अभी अभी बन के निकला है ये, तो ये मैंने मक्खन भी लगवाया, देखिए ये अभी अभी गर्म बन के निकला है, तो मैं इसी तरह से मुझे बहुत मतलब बच्चों के साथ साथ ये दोनों को भी देख करके मेरा हालत एकदम ख़राब हो जाता सारा दिन में। और इस दौरान बहुत दिन से मतलब खाली मतलब मीट मांस ओवर हो गया था, तो अभी सोचे थोड़ा मछली खाने का मन हुआ तो मछली ले आई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए बस एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, आप भी आगे जाओगे हम भी आगे जाएंगे।